हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरुन कुकिंग्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम में बदलाव आ रहा है और सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में जकड़न, ये सब आम समस्या हो गई है। और ज्यादातर तो हम देखते हैं कि सभी पेरेंट्स आजकल परेशान हैं कि उनके बच्चे इस दौर से गुजर रहे हैं। देखो, बड़े तो समझ जाते हैं कि हमें काढ़ा बनाकर पीना है और हम ठीक हो जाएंगे, पर बच्चों को समझाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बच्चे बहुत ही खुशी से खाएंगे। और इस रेसिपी में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी ऐसी सामग्री का यूज करूँ जो हम एक काढ़ा बनाने में यूज करते हैं, और ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो और साथ साथ टेस्टी भी हो, है ना। तो चलिए, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं रेसिपी। और इसके लिए 10 से 12 स्टेम लिए हैं एलोवेरा के। इसे मैंने अच्छे से धो लिया था, और जब आप काटे हैं एलोवेरा को तो ऐसे लटका कर सिंक में रख दीजिए, तो उसका जो येलो जेल निकलता है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है। मैंने इसे लटका कर रख दिया था, और आगे से मैंने थोड़ा थोड़ा ये काट लिया है, जो इसमें येलो पार्ट जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा मैंने यहां से काट लिया था ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे काट कर इसका जेल निकाल लेंगे। तो साइड में ये जो कांटे होते हैं, पहले हम इसको निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर का पार्ट निकाल लेंगे। और अब एक चम्मच की मदद से हम इसका जेल जो है, देखिए, ये अलग कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने जो जेल है वो निकाल कर अलग कर लिया है। और इसी तरह से हम बाकी पत्तों का जेल भी निकाल कर अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मिक्सी ग्राइंडर में इसका जूस बना लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एलोवेरा का जूस बनाकर तैयार कर यहाँ लिया। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है, और अब मैं डालूंगी थोड़ी सी कलौंजी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने जूस बनाया था एलोवेरा का। गाइस, आप चाहे तो इसे डायरेक्ट भी जब जेल निकालते हैं तो ऐसे आप कढ़ाई में डाल सकते हैं, बस उसे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने जूस बना लिया है इसका। बस अब हम इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, हमें इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और इसमें अच्छा उबाल आ गया है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ पाउडर लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लिया है, भुना हुआ जीरा, और ये जायफल है, इसे मैंने थोड़ा सा घिस लिया था। ये देखिए, पाउडर बना लिया है। और एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 2 लौंग लिए हैं, और ये एक मुलेठी ली है जो खांसी जुकाम सर्दी में हमें राहत देती है, और इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। और ये काला नमक है, और ये सौंठ का पाउडर है। जायफल और मुलेठी मैं यहाँ से निकाल लूंगी क्योंकि इसका मैंने पाउडर बना लिया है, और ये जो दालचीनी और लौंग मैं इसको साबुत ही डाल दूंगी और बाद में हम इसे निकाल लेंगे। ये सारे मसाले अब मैं इसमें डाल दूंगी। गाइज, एलोवेरा हमारी आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और ये सब मसाले जो मैंने डाले हैं किसी ना किसी तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमें 2 मिनट हो गए हैं जल को पकाते हुए, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और इस वक्त हम इसमें डाल देंगे ये आधा कटोरा गुड़ मैंने लिया है, और ये वजन से 250 ग्राम के करीब गुड़ होगा। इसे डालकर हम चला देंगे और गुड़ घुलने तक पकाएंगे। गाइस, गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये खून को बढ़ाने में भी मदद करती है। देखिए, जो गुड़ है हमारा वो अच्छे से जूस में घुल गया है, और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और थोड़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। मुझे गुड़ के साथ एलोवेरा जूस को पकाते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी पहले से गाढ़ी हो गई है, पर जब आप इसको गिराकर देखते हैं तो आपको लगता है कि पतला है। ये पतला नहीं है। देखिए, इसको चेक करने का तरीका क्या है, आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए दोनों उंगलियों के बीच में, और ये देखिए, एक तार की चाशनी सी बननी चाहिए, है ना। बस इस वक्त जो है हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का नींबू, जिसका रस मैंने निकाल लिया था। ये जो नींबू है वो इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और साथ ही साथ जो गुड़ को जमने नहीं देगा, है ना, और खट्टा मीठा सा एक टेस्ट आएगा, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब 1 मिनट के लिए और हम इसे पका लेंगे।
ताकि नींबू का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और फिर हम गैस को बंद, हमारा जो एलोवेरा जैम है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच शहद डाल दूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। गाइस, जब कभी आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो शहद को गर्मा गर्म चीज में या रेसिपी में आपको नहीं डालना चाहिए। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि एलोवेरा का लॉलीपॉप कैसे बनाया जाए, वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए गाइस, हमारा एलोवेरा जैम बनकर तैयार हो गया है, और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।